हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इसका सेटअप देख लिया था। आई होप आपने स्टार्टर प्रोजेक्ट की टेम्पलेट जो है डाउनलोड कर लिया होगा और उसको रन करके एक बार चेक भी कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको टॉप पे एक नेविगेशन बार यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसमें दो नेविगेशन बार रहेंगे, एक जो पहले जो टॉप पर रहेगा हम वो सिर्फ क्या करेंगे उसको डेस्कटॉप के ऊपर ही शो करेंगे, और जैसे मोबाइल पे जाएंगे तो मोबाइल पे हमको उसको शो कराने की जरूरत नहीं है, हम उसको क्या करेंगे फुटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो, जैसा कि आप अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे रेडीमेड हमको कोड मिल जाता है नेविगेशन के लिए। तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करें और यहाँ पे आप सिंपली क्या करें नैव, और यहाँ पे नैव बार, जैसे नैव बार आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा कोड। तो सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो है तो मैं क्या करूंगा इसको जो है मैनुअली आपको टाइप करके बताऊंगा, उसके बाद से जितने भी वीडियोस रहेंगे हम इसमें सिंपली जो है जितना हो सके कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स का फोल्डर यहाँ पर है। तो इसमें हमको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम आप रखें टॉप बार डॉट जी, आप चाहे तो डॉट जे एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना है, क्योंकि हम क्लास बेस पर काम नहीं कर रहे, हम जो है इस सीरीज में फंक्शनल कंपोनेंट पर ही काम करेंगे। और साथ ही में आप क्या करें, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस एक्सटेंशन के टैब पर आपको जाना है, और यहाँ से देखिए ES7 React Redux GraphQL ये वाले स्निपेट आपको जो है इंस्टॉल करना है। अब इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ RAFCE और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इतना मैनुअल टाइप करेंगे तो इसमें आपका और टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि आप जो है इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्क्रोल करेंगे नीचे आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो रीनेम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑटो रीनेम टैग से क्या होगा कि आप जैसे ही कोई भी टैग को एडिट करेंगे तो उसका एंडिंग टैग भी चेंज हो जाएगा। साथ ही में बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रीटियर, प्रीटियर को मेक श्योर आप जो है ऑन सेव पर जो है इसको एनेबल कर दे। तो यहाँ पे आपको उसका इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा कैसे इसको सेट करना है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था हमारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज करना है। तो इस डिव को कट करके एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिएक्ट का फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। अब हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट समथिंग, सॉरी एरो नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट और यहाँ पे बूटस्ट्रैप। तो ये React Bootstrap कहाँ से आया, जैसे अगर आपने स्टार्टर टेम्पलेट पैकेज जेसन फाइल देखी होंगी तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में, अगर रहेंगी भी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको नैव बार क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमको नैव बार एड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो नैव बार, उसके बाद में हमको नैव भी लगेगा और साथ ही में कंटेनर भी लगेगा, तो इतना काफी है। और इसके बाद में हमको लिंक के लिए क्या है कि रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें से भी हमको लिंक कंटेनर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे हमको क्या करना है रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे लिंक कंटेनर को यहाँ से गेट करेंगे। तो आपको लिखना है लिंक कंटेनर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नैव बार क्रिएट करेंगे, तो नैव बार के लिए आपको सिंपली क्या करना है नैव बार लिखना है। तो नैव बार, और इसके अंदर हमारे पास होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी बीजी, तो बैकग्राउंड आपको कैसे सेट करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे डार्क, और इसका वेरिएंट आपको सेट करना पड़ता है। तो वेरिएंट में जो रहेगा तो वो हमारा एज अ टेक्स्ट कलर भी काम करता है, तो हम इसमें वेरिएंट डार्क रखेंगे तो इसका रिवर्स रहेगा, यानी कि टेक्स्ट जो रहेगा वो लाइट रहेगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, एक्सपैंड यहाँ पर लिखना है, एक्सपैंड हम क्या करेंगे लार्ज स्क्रीन के लिए। अब इतना हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, तो कंटेनर, और कंटेनर को हम क्या कर देंगे फ्लूइड कर देंगे, तो ये साइड से हमको थोड़ा स्पेस देगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा हमको मार्जिन इसमें मिल जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक H6 ले लेंगे। अब H6 क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ डमी डेटा शो कराने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं फिलहाल डमी डेटा कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लिखना है हमको।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नैव बार का इस्तेमाल करेंगे। तो नैव, यहाँ पे नैव लिखना है और मेक श्योर आप बूटस्ट्रैप का नैव इस्तेमाल करें। तो नैव टैग, और नैव टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास नेम इसको दे देंगे। क्लास नेम आपको सेट करना है, तो क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एम एस ऑटो कर देंगे। पहले क्या होता था, हमको जो है एम एल लिखना पड़ता था मार्जिन लेफ्ट करने के लिए मेन्यू को, लेकिन अब क्या है यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 में हमको एम एस यानी कि मार्जिन स्टार्ट ऐसा कुछ है शायद, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है टू की, टू के अंदर आप जो भी लिखेंगे तो वो उस पाथ पर इसको रिडायरेक्ट करेगा। अब लिंक कंटेनर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, जब भी हम क्लिक करें तो हमारा पेज जो है वो रिलोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैव लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो नैव डॉट लिंक आपको इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला होम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4। और सेकंड वाला अबाउट के लिए, तो लिंक में आप क्या करें, अबाउट कर लें, और नाम में इसका रखिए अबाउट अस। उसके बाद वाला हम क्या करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट अस। और लास्ट वाला कर देंगे पॉलिसी के लिए, तो पॉलिसी, और इसके अंदर हम कर देंगे टर्म्स एंड पॉलिसी। अब इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस कंपोनेंट का नाम आप एक बार चेंज कर ले। देखिए यहाँ पर स्मॉल केस में टॉप बार है ना, तो इसको मैं टी कैपिटल कर देता हूँ, और इस टी को भी जो है यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ। ये हो गया, इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, एप डॉट जेएस में इसको इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट की कमांड, और यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं एप बार फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है कंपोनेंट्स का फोल्डर, और उसके अंदर है हमारे पास ऐप बार का कंपोनर, सॉरी टॉप बार है, यहाँ पर ऐप बार लिख दिया मैंने गलती से, ये टॉप बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं टॉप बार। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि हमको राउटिंग का इस्तेमाल करना है। अगर मैं अभी यहाँ पे इसको सेव कर लूँ, और मैं चलता हूँ यहाँ पर देखिए हमारे एप्लीकेशन पर, और इसको रिलोड कर देता हूँ, तो हमको कुछ एरर यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमको एरर आएगा, इन वेरिएंट फेल्ड, यू शुड नॉट यूज विथ राउटर लिंक कंटेनर आउटसाइड अ राउटर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है सबसे पहले जब भी लिंक, यानी कि देखिए हमारे पास क्या है, टॉप बार कंपोनेंट में यहाँ पर हमने लिंक का इस्तेमाल किया है, तो जब भी लिंक का इस्तेमाल किया है तो हमको जो है रिएक्ट राउटर डॉम को एनेबल करना पड़ता है। अब उसको एनेबल कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट करना है ब्राउजर राउटर को, तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम React Router DOM, और इसमें से हमको चाहिए ब्राउजर राउटर, तो आपको लिखना है ब्राउजर राउटर, और पूरे कंपोनेंट को आपको रैप करना है इस ब्राउजर राउटर से। तो आप क्या करें, यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को जो है ब्राउजर राउटर से जो है रैप कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा और वापस चलते ब्राउजर पर, तो देखिए हमको यहाँ पर हमारा टॉप नेविगेशन बार मिल चुका है। आई होप आपके समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, हम फिर से इसको और अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर H6 जो है फिलहाल के लिए एम्प्टी रखने लगाया था, अब वो इसलिए किया था ताकि हम यहाँ पे एक मैसेज कस्टमर को शो करें। अब क्या मैसेज हम यहाँ पर शो कराएंगे, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबव 500 रुपीज, एक छोटा सा मैसेज जो कि यूजर फ्रेंडली भी रहे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइकन के लिए देखिए मैंने बताया था आपको, पैकेज जेसन की फाइल में जाएंगे तो रिएक्ट आइकन का पैकेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो देखिए मैं आपको लाइब्रेरी एक बार फिर से विजिट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करें रिएक्ट आइकॉन, रिएक्ट आइकॉन्स, तो यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा। तो इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी मिल जाएंगी हमको। तो इसमें बहुत सारे आइकॉन्स हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमको ऑफर के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आ चुका है, एमडी लोकल ऑफर। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आना है सबसे पहले आपके टॉप बार कंपोनेंट में, और इम्पोर्ट करना है सबसे पहले इसका पाथ। तो यहाँ पे आपको करना है इम्पोर्ट समथिंग, और यहाँ पे हमारे पास है रिएक्ट आइकॉन का पैकेज, तो आपको यहाँ पे लिखना है रिएक्ट आइकॉन्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले पेस्ट कर दिया हमने एमडी लोकल, तो देखिए स्टार्ट का जो एमडी है ना, आपको सिंपली यहाँ पर वही टाइप करना है एमडी।
और अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट यूज करेंगे। तो एमडी ऑफर, और हम क्या करते हैं इसको क्लास नेम ऐड कर देते, यानी कि थोड़ा सा कलर देना है मुझे इसको, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो है टेक्स्ट की क्लास है तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको वार्निंग कर देता, वार्निंग ठीक रहेगा, येलोइश कलर रहता है ना थोड़ा, तो टेक्स्ट वार्निंग। अब चलते हैं वापस ब्राउजर पर, एक बार चेक कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से येलो में आ गया, लेकिन हमारा कंटेंट जो है अभी भी शो नहीं हो रहा है बराबर से, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। हम क्या करेंगे S6 को जो है यहाँ पर क्लास नेम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको टेक्स्ट लाइट कर देंगे, तो अब ये दिखाई देगा बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है टॉप नेविगेशन बार नजर आएगा। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, NBSP। इसको दो बार मैं कर देता हूँ कॉपी, कॉपी पेस्ट, और फिर से सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा स्पेस भी हमको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये हमारा जो है टॉप नेविगेशन बार जो है क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्टिव टर्म्स एंड पॉलिसी, ये सारे स्टैटिक पेजेस भी क्रिएट करना है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए मैं कोई भी मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो होम बाई डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक कंटेनर का जब इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हमको मिलता है एक्टिव, यहाँ पे आपको लिखना है एक्टिव क्लास नेम। अब ये देखिए स्टैटिकली नहीं है, इसमें डायनेमिकली हम जो है क्लासेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी डायनेमिकली कोई भी क्लास हमने क्रिएट नहीं किया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे हमारे सारे लिंक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कॉपी पेस्ट कर देना है इसको और सेव कर ले। सेव करने के बाद वापस चलते हैं ब्राउजर पर और हमारे ऐप को जो है रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद देखिए मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट ही रहेगा, कॉन्टैक्ट पर करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पर रहेगा, टर्म्स, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की, तो यहाँ पे इसको भी चेंज फिक्स कर लेता हूँ टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली जो है चेंज हो चुका है। तो हमने सक्सेसफुली जो है टॉप नेविगेशन बार क्रिएट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और टर्म्स एंड पॉलिसीज के जो है स्टैटिक पेजेस को क्रिएट कर लेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर आप जो है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।